वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, यूपी पुलिस का हाल फिजिकल में तो बहुत बुरा हो रहा है, चाहे महिलाओं का हो या फिर पुरुषों का। आप देख सकते हैं इसमें 30% युवा फेल है फिजिकल में। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने सारे बच्चे तो अनुपस्थित हैं, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे, मतलब 50% जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो निकाल दिए गए हैं, मतलब अपनी दौड़ ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। कोई बेहोश होके गिर रहा है तो कोई कंप्लीट खिसते खिसते कर रहा है। मैंने आपको जब रिजल्ट आना था उसके पहले भी मैंने आपको आगाह किया था कि आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छी कीजिएगा, भले ही आप लोग अपना ये निकाल लें, रिटर्न एग्जाम निकाल लें, बट फिजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पुलिस में जॉब करने जा रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए, इसमें मैं आपको पहला तो ये, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि रविवार जी आगरा की न्यूज है, आगरा में जो हुआ था 33% अभ्यर्थी युवा फेल हो गए। अब इसमें देखिए, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के 3 दिनों में वहां दस्तावेज परीक्षण और शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई थी। 449 बुलाए गए थे, इसमें से 378 तो पहुंचे। पहला तो यही हो गया, 449 बुलाए गए थे, 378 पहुंचे। 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करनी थी, ठीक है। उसके बाद 378 में से सिर्फ 128 तो दौड़ पूरा भी नहीं कर पाए और 33% अभ्यर्थी वैसे भी फेल हो गए हैं। शनिवार को 84 बुलाए थे जिसमें से 78 ने दौड़ में हिस्सा लिया, 19 इसमें फेल हो गए। तो पहले शुक्रवार को 474 बुलाए थे जिसमें से 118 दौड़ में शामिल हुए, 48 फिर इसमें भी फेल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा होती जा रही है, साथ ही साथ में अनुपस्थित होने वालों की संख्या भी ज्यादा होती जा रही है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आयोग को कोस रहे हैं, एक नंबर दो नंबर से रह गए, बट जिनका सिलेक्शन हो गया वो पहुंच नहीं रहे। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। अब महिलाओं का हाल देख लेते हैं। देखिए, ये महिलाओं का हाल हो रखा है, यहाँ पर ये लेटी हुई हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस बुलाया गया, ये थक के परेशान हो गई है यहाँ पर। तो लड़कियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, सॉरी लड़कों को और लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ लगाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए बोला गया था। दोपहर पहरीवाल, एक तो देखो ठंड है, ऐसा भी नहीं है, गर्मियां चल रही हैं कि आप लोग गश्त खा के एकदम चक्कर खा के गिर जाएं। पूरा चक्कर लगाने से पहले ही लड़कियां गिरने लगी तो हड़कंप मच गया, लगभग 10 लड़कियां गिरी हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि CO2 सीमा यादव के साथ पुलिसकर्मी को एक लड़की उठाती तो दूसरी गिर जाती है, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैंने एडवाइस दी थी, आप लोगों ने मानी नहीं मानी, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों ने क्यों नहीं मानी। मैंने पहले भी बताया था कि लड़कियां एग्जाम तो क्लियर कर लेती है, बस फिजिकल में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, और थोड़ा सा अभी जिनका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, आप लोग आगे की तैयारी कीजिए। हिंदी की क्लासेस हम चला ही रहे हैं, और जो भी आप लोगों को जरूरत लगेगी नोट्स की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन होके सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे वहां पर आपको। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि PCS। थैंक यू।